Hello, mommies. We are back again, and आज हम baby destination page से live हैं. So moms, जो कल हमने आपके साथ recipe share की थी, आपने वो बनाकर देखी. आप बताइए हमें please comments में आपको कैसी लगी है हमारी recipes. So Ritika, yes. आज का हमारा session किसके ऊपर है? गीतांजलि, हमने recently belly fat exercises बताई थी for normal and for C-section moms. Right. जो बेसिक लेवल था तो मॉम्स के कमेंट्स देखे, काफी मॉम्स ने ट्राई किया एंड दे गॉट गुड रिजल्ट्स. राइट, तो मॉम्स आपके फीडबैक के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एडवांस लेवल ऑफ बेली एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगे बेली टोनिंग में ऑफ कोर्स. एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा हमें लगता है फैट आ रहा है और exactly. तो आज हम एडवांस एपिसोड लेके आए हैं. एंड मॉम्स मेक एक चीज आपको और बता दे, एडवांस लेवल है डेफिनेटली, लेवल ऑफ क्रैम्प्स भी बढ़ेंगे, लेवल ऑफ रिपीटेशंस भी हमारे एक्सरसाइज के बढ़ेंगे. सो डू वॉच इट केयरफुली एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस वेरी केयरफुली. एक्चुअली थोड़ा ध्यान रख के करना है. yes. बहुत एक्साइटेड में और बहुत जल्दबाजी में मत करिए, आपको पेन हो सकता है. और पेन हो तो प्लीज पेन किलर मत खाइए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए या हॉट वाटर ले सकते हैं आप. सो वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड. यस, तो फर्स्टली हम फ्लैट लेट जाएंगे फ्लोर पे. सो ये हमारी पोजीशन है. एंड व्हिच एक्सरसाइज इज दिस? दिस इज फॉर लोअर बेली लेग रेस विद मॉडिफिकेशन. सो इसमें गीतांजलि हम लेग्स ऊपर करेंगे. नाउ वी हैव टू ओपन द लेग्स वाइड और फ्लोर पर जाना है, लेकिन पैर टच नहीं करेंगे फ्लोर. ओके, बैक. सिंस ये एडवांस लेवल है, हम इसकी 20 रिपीटेशंस करेंगे. अब हमने मॉमीज अपने सेट बढ़ा दिए, हम आपको भी सेट बढ़ा के ही दिखा रहे हैं बिकॉज अब हमारा एडवांस लेवल आ गया. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. Okay, Ritika, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मसल्स बहुत फुल हुई है इस एक्सरसाइज के अंदर. एंड स्पेशली जो मैंने फील किया थाइस में, बहुत हमें मतलब लग रहा है जैसे थाइस का फैट कम हो रहा है, एकदम से स्ट्रेच हो गए हमारे अपने जब लेग्स ऐसे आते हैं, बहुत स्ट्रेच फील हो रहा है. यस गीतांजलि, एंड ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बेली पे और इनर थाइस को बहुत वर्क करती है. ओके ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री एक्सरसाइज. मॉम्स ये भी एक एडवांस लेवल है लेग रेस का ही. इसमें अपने हाथ रखोगे अपने हिप्स के नीचे एंड आपको लेग्स उठानी है 90 डिग्री. यहाँ पे होल्ड करिए एटलीस्ट 10 टू 20 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है. अगर नहीं होता तो कोशिश करिए 10 सेकेंड्स कम से कम आप होल्ड करें. और जितना हम लेग्स को स्ट्रेच करेंगे आई गेस. यस, एंड लेग्स को सीधा रखने का कोशिश करें. अब लेग्स को ऊपर ले जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये तीनों पे वर्क करेगी आप. आई थिंक जितनी भी हम अपनी लेग्स की एक्सरसाइजेस करते हैं वो ऑलरेडी हमारा जो है आई थिंक बेली तक आता ही है उसका. एग्जैक्टली गीतांजलि, हमारी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है रितिका, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो वी स्टार्ट, वी हैव टू गेट अप. फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम भी हम अपने एल्बोज पे आ जाएंगे. ओके, हम लेग्स को ऊपर लेंगे, चेस्ट तक लाएंगे, देन स्ट्रेट, देन स्ट्रेट. यस,
आई थिंक इन एक्सरसाइज को अगर आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते हैं, इनके सेट भी अगर आप इंक्रीज करते हैं, डेफिनेटली आपको अपनी बेली में अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा. यस. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स. इसको हम गीतांजलि 15 ही करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ऐसे बैलेंस नहीं होता तो आपके बैक पे थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस. एंड आई नो यहाँ पे जैसे एल्बो जो हम टच कर रहे हैं और पूरी बैक जो हमारी कर्व हो रही है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है बिकॉज आपका पूरा बॉडी वेट आपके बैक पे आ रहा है. Exactly. तो इसलिए इसकी रिपीटेशन हम कम रखें. तो मॉम्स इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, एकदम से मत बढ़ाइए अपने जो भी है. आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए बिकॉज अगर आपने इंक्रीज कर दिया एकदम से सेट, आपको बॉडी में काफी जगह पेन हो सकता है जो हम नहीं चाहते कि आप पेन या स्ट्रेस लेके आप वेट कम करें. एग्जैक्टली. एंड एक्सरसाइज के बीच में कई बार होता है हमारा मुंह सूख रहा है बिकॉज गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है. आप एक छोटा सिप, वन स्मॉल सिप वाटर ले लीजिए, बट ठंडा नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर में लीजिए एंड देन आप नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं. सो एंड मॉम्स काफी कॉमेंट्स ये आते हैं कभी कभी हमारे पास कि आपका भी वेट कम रही है. तो मॉम्स हमारा, हमने ये चैलेंज, हम भी मॉम्स हैं, हमने ये चैलेंज आपके साथ स्टार्ट किया है. हम ये नहीं, वी आर नॉट मॉडल्स, वी आर मॉम्स. सो ये चैलेंज सिर्फ स्पेशली हमने स्टार्ट किया है वेट रिड्यूस के लिए, जो हम घर बैठ के अपने छोटे बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एक्चुअली हम कर रहे हैं, मोटिवेटेड हुए हैं. सो इट्स बेटर आप हमें मोटिवेट करें. एग्जैक्टली. मोटिवेट करिए, हम इसीलिए आपके सामने कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके ये एक्सरसाइज एक्चुअली वर्क करती है एक्चुअली. और सो डू कोऑपरेट विद अस एंड लेट्स गो अहेड विद द बिकॉज़ वी वांट ओनली पॉजिटिव कमेंट्स फ्रॉम योर साइड मॉम्स. फॉर नेक्स्ट वन वी वाइड ओपन द लेग्स, जितना आप लेग ओपन कर सकते हैं इजिली. राइट. यू टू मेक अ फिस्ट, आर्म स्ट्रेट, रोटेशन लाइक जैसे पुरानी लेडीज चक्की चलाती थी. Exactly. एंड तभी उनमें फैट नहीं होता था बिकॉज आजकल का लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसा हो गया है. एंड पहले की एक्चुअली वर्क में ही एक्सरसाइजेस थी. यस. आजकल एवरीथिंग इज सेडेंटरी, घर पे बैठे सब कुछ है तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. आई थिंक हम ये 10-10 सेट करेंगे इस साइड या 20 करेंगे. यस, वी विल स्टार्ट विद 10. ओके. आफ्टर 2-3 डेज यू कैन टेक इट टू 15 एंड देन 20. आई थिंक फर्स्ट सेट इज डन. यस. You can take a pause of 10-15 seconds, mom, क्योंकि आप थक गए होंगे. And again, we'll start anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, moms. ये थी हमारी एक्सरसाइजेस गीतांजलि. आई थिंक आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स भी आए होंगे बिकॉज़ मैं काफी फील कर रही हूँ. मैं भी अपने बेल में काफी ज्यादा फील कर रही हूँ. मॉम साहब, आपको हम कुछ स्ट्रेचिंग बताते हैं. जैसे कि हम हर एपिसोड में बताते जा रहे हैं, आप वो सारी स्ट्रेचिंग कंबाइन करके एवरी डे फॉलो कर सकते हैं. तो आज भी मैं आपको बता और एक्सरसाइजेस के बाद मॉम इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेचिंग करिए, उनको थोड़ा रिलैक्स करके स्ट्रेच. तो इसमें हम अपने हाथ स्ट्रेट करेंगे, बेंड करेंगे फॉरवर्ड. कोशिश करिए जितना आगे आप झुक सकते हो, जितना आप अपने आप को पुश कर सकते हैं. होल्ड करेंगे 10 काउंट के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स एंड बैक. उसको फिर से करेंगे. कोई भी स्ट्रेचिंग अगर आप कर रहे हो एटलीस्ट 5 times उसको रिपीट करिए, तभी उसका बेनिफिट है. एक बार करके छोड़ देंगे तो मसल स्ट्रेच नहीं होगा. स्टार्ट अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. सो आई होप आपकी बैक में काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे आप इसके बाद. सो ये आपको 5 times करनी है मॉम्स. एंड एक और हम बताते हैं, ये आप एक्सरसाइज भी काउंट कर सकते हो इसको और एक स्ट्रेचिंग भी काउंट कर सकते हो. मैं आपको क्रॉस हैंड्स अपने टोज टच करने हैं. इसमें हमारी आर्म्स का फैट भी जाएगा बिकॉज इसमें हम अपने आर्म्स भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं.
इसमें गीतांजलि आपका बेली, अपर बेली, लोअर बेली, अपर बैक, थाइस, साइड्स, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर हो जाती है. राइट, सो दैट्स डन. रिलैक्स. सो मॉम्स, वी होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी. आप फॉलो कर रहे होंगे जैसे आप करते आ रहे हैं. स्ट्रेचिंग करते रहिए, एंड जिस दिन आपको टाइम ना मिले एक्सरसाइज करने का उस दिन सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लीजिए तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर एपिसोड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. टिल देन, बाय बाय.